बिहार के नालंदा जिला अंतर्गत दीपनगर थाना क्षेत्र समस्तीपुर गांव के निकट रेलवे क्रॉसिंग के पास तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गए, जिसको लेकर बाइक सवार दोनों लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर जाँच के उपरांत डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुबोध कुमार 22 वर्ष, पिता अरुण प्रसाद, घर सोसराय थाना क्षेत्र के मंसूर नगर का रहने वाला है। बता दें, यह घटना के संबंध में प्राप्त सूचना के मुताबिक मृतक सुबोध घर से शाम को बाइक से तीज के मौके पर ससुराल राजगीर जा रहा था, तो उनका जीजा जी जो दीपनगर थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव का रहने वाला है, उन्हीं के घर छोड़ने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। बता दें, मृतक सुबोध की शादी 5 साल पूर्व हुई थी। उसके 2 मासूम बच्चे हैं, जिनका एक बेटा और एक बेटी है। घटना की सूचना ही परिजनों को मिलते ही परिजन में अस्पताल पहुंचे और परिजन चित्कार के साथ रोने पीटने लगे, जिससे पूरा अस्पताल गम में डूब गया। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सब को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। निधि सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। घटना हुई चाचा? घटना हुआ कि काम करने गया था भाई, पेट वाला काम करके लौट रहा था, तो ब्रेकर मिला। ब्रेकर मिलने पर ही अपना संतुलन खो दिया। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ, उसमें वो एक्सपायर कर गया, वो इंजर्ड है। अच्छा, एक्सपायर करने वाला क्या नाम? सुबोध कुमार। अच्छा, एक तो, और उनके साथ कौन थे? रामी कुमार। वो कौन लगते उनके? बहनो। वो ठीक ठाक है? ठीक ठाक तो पूरा इंजर्ड है। इंजर्ड है लेकिन जिंदा है। बढ़िया थे। अच्छा, आप कौन लगते हैं उनके मृतक के? मृतक हम हुए मामा। अच्छा, आपका क्या नाम है? सरवन कुमार।